अयोध्या में आज विश्व का सबसे बड़ा दीपक जला तो शिमला में भगवान की शोभा यात्रा से राममय हुआ माहौल। राजधानी शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। 98% हिंदू आबादी वाले राज्य में 22 की छुट्टी न होना सोशल मीडिया पर चर्चा में। 22 की छुट्टी को लेकर कल सवाल पूछे जाने पर बचकर निकलते नजर आए थे मुख्यमंत्री। शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल कालीबाड़ी मंदिर से माल रोड होते हुए राम मंदिर पहुंची भव्य शोभा यात्रा। अयोध्या की तपस्या छावनी के समीप 21,000 लीटर तेल से जला 300 फुट का राजा दशरथ दीपक। राम जन्मभूमि मंदिर का 500 साल पुराना सपना साकार होने से देश विदेश के हिंदुओं में है भारी उत्साह। अरविंद केजरीवाल को छोड़ भगवान राम का मंदिर बनने पर खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं कांग्रेस अथवा INDIE गठबंधन के अधिकतर नेता। और यहाँ से अब आप देख रहे हैं सब जन समूह यहाँ से पूरा है राम ज्योत की जो है अलख जो है वो जाग गई है लोगों में, और यहाँ पे सब जो है राम का नाम लेके उद्घोष करते हुए यहाँ से पूरा अपना निकलेंगे ये सीटियों की तरफ से यहाँ पे फिर लोर बाजार करते हुए कृष्ण मंदिर माल रोड होते हुए फिर कृष्ण मंदिर होते हुए वहाँ पे भी शीश नवाएंगे और फिर अपना गुरुद्वारा होते हुए जो है यात्रा संपन्न होगी हमारे राम मंदिर में। हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ RSS के साथ और जितनी भी इनकी संगठन हैं जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं उनके साथ हमारे वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद है कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश 98% हम हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारी सभी की आस्था राम के प्रति है। राम के मंदिर का इतना बड़ा जीर्णोद्धार हो रहा है उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी भी हैं कि उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करने की भी शंखनाद बजा दिया है। इसके लिए उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है और आप सभी जानते हैं कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की बहुत आस्था थी मंदिरों से, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का भी जगह जगह जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले, कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद सर। 22 की छुट्टी कर दी है सेंटर ने। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में चंद घंटे बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में माहौल भक्तिमय हो गया है और देवभूमि हिमाचल भी आज राममय होता नजर आया। राजधानी शिमला के प्रमुख आस्था स्थल कालीबाड़ी मंदिर से शुरू हुई भगवान राम की शोभा यात्रा माल रोड होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा में शिमला के विभिन्न हिंदू व स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई मंत्री अथवा बड़े कद का नेता इस धार्मिक यात्रा में नजर नहीं आया। 98% हिंदू आबादी वाले राज्य हिमाचल में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी न होना भी चर्चा में रहा। हालांकि सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे आला कांग्रेस नेताओं द्वारा अयोध्या से आया निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद लोगों को ऐसी ही उम्मीद थी। 6 बार हिमाचल के CM रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने हालांकि निमंत्रण मिलने के दौरान RSS व विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद भी किया था, मगर गत सप्ताह से इस मुद्दे को लेकर वह भी अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं की तरह मौन साध चुके हैं।
शिमला के अलावा कुल्लू कांगड़ा व अन्य विभिन्न जिलों में भी श्रद्धालु आज राम के रंग में रंगे नजर आए। भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या नगरी में आज विश्व का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित किया गया और करीब 300 फुट के इस दिए को जलाने के लिए 21,000 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश जगत गुरु परमहंसाचार्य ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े इस दिए का नाम दशरथ दीपक रखा गया है और आज उनके जीवन की एक सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई है। बहरहाल अयोध्या व देश के अन्य हिस्सों की तरफ 98% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में भी 500 साल का इंतजार समाप्त होने के बाद भगवान राम के विराजमान होने से भारी उत्साह है और पीएम की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सूबे के सभी शहरों व गांव-गांव में दीपावली मनाए जाने की तैयारियां चल रही है। और यहाँ से अब आप देख रहे हैं सब जनसमूह यहाँ से पूरा है, राम ज्योत की जो है अलख जो है वो जाग गई है लोगों में और यहाँ पे सब जो है राम का नाम लेके उद्घोष करते हुए यहाँ से पूरा अपना निकलेंगे ये सीटियों की तरफ से यहाँ पे फिर लोर बाजार करते हुए कृष्ण मंदिर माल रोड होते हुए फिर कृष्ण मंदिर होते हुए वहाँ पे भी शीश नवाएंगे और फिर अपना गुरुद्वारा होते हुए जो है यात्रा संपन्न होगी हमारे राम मंदिर में। और काफ़ी आप लोग देख रहे हैं कि सब में बहुत सारा हर्षोल्लास है, उत्साह का माहौल है और सब जो है राम नाम में रंग चुके हैं इस टाइम। काफ़ी देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जनमानस के सबके जो आराध्य हैं और उन्हीं की जो सीख है वही लेके हमारे को साथ में चलना चाहिए। जितने भी हैं प्रेम से सद्भावना से और शिष्टाचार में डिसिप्लिन में रहें सारे यही संदेश है, राम जी का संदेश ही लेके हम आगे चलेंगे। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हो गया है। रामनगरी राम घाट पर आज राम ज्योति जलाई गई। यह 7.5 करोड़ में यह दीपक तैयार किया गया है। इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक। इसमें जो है तो 1008 टन मिट्टी से बना है। सोना चांदी और अष्ट धातु का भी इसमें प्रयोग किया गया है। सभी तीर्थों की मिट्टी सभी तीर्थों का जल भी इसमें सम्मिलित है। यह विश्व की सब देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी राम ज्योति। दिखाइए इतनी बड़ी राम ज्योति आप कभी न देखे होंगे, इतना बड़ा दिया कभी न देखे होंगे। बहुत बड़ी राम ज्योति और बहुत बड़ा दीपक। यह 300 फीट का दीपक जो विश्व रिकॉर्ड है, पूरे विश्व में पूरी दुनिया में आज तक इतना बड़ा दीपक नहीं जलाया गया। यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैंने प्रज्वलित किया है। इतनी बड़ी राम ज्योति कभी न देखे होंगे, कहीं न देखे होंगे। देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी राम ज्योति, विश्व की सबसे बड़ी राम ज्योति आप देख सकते हैं।